बिहार में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई है। हर तरफ तबाही का मंजर है, पानी में डूबे नजर आए घर। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात और लोग पलायन करने के लिए मजबूर, नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। बहराइच में उफान पर घाघरा नदी, कटान के बाद कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। नेपाल में बाढ़ ने तबाही मचाई, तेज बहाव में बहे पुल और बाढ़ से अब तक करीब 170 लोगों की मौत। नेपाल में आई बाढ़ का दिखा रौद्र रूप, चारों तरफ नजर आया सैलाब, खौफनाक तस्वीरें सामने आई। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर, सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ और भूस्खलन में लापता लोगों की तलाश जारी है, मलबे से निकाले जा रहे हैं शव। भारी बारिश की वजह से अचानक आए सैलाब में फंस गए थे कई लोग। आसमानी आफत की चपेट में आया नेपाल का टीका भैरव मंदिर, चारों तरफ दिखे तबाही और बर्बादी, पानी में डूबे नजर आए मंदिर। नेपाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद एक आपको बता दें कि अब भारत राहत बचाव अभियान जो है वो जारी है। वहीं 56 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर फिर बम बरसाए, हिजबुल्ला के ठिकानों को फिर निशाना बनाया और लॉन्चिंग पैड्स ध्वस्त किए। इसराइल का लेबनान पर हमला जारी है, बेरूत में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया, हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। इसराइल पर हिजबुल्ला के हमले का अलर्ट और इसराइल के हाइफा शहर में रॉकेट हमले की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी। इजरायली सेना ने बेरूत में अल कुला पुल के पास किया हवाई हमला, सीरिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई शासक बशर अल असद के भाई महार अल असद पर के घर पर हमला किया गया। बेरूत हमले में मारे गए लोगों को दी गई अंतिम विदाई और इजरायली हमले में 5 लोगों को दफनाया भी गया, भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। दक्षिणी लेबनान के शहर सिडोन में इजरायली हवाई हमले में 24 लोगों की मौत, 29 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद लेबनान का पलटवार, उत्तरी इजरायल में लेबनान से करीब 35 रॉकेट्स दागे गए। इजरायल ने अब यमन पर भी हमला बोला है, पोर्ट पर फायर जेट्स ने बमबारी की है, हुती विद्रोही भी कई बार इजरायल पर कर चुके हैं हमला। और यमन के हमलों के दौरान इजरायली सेना ने युद्धक विमान का फुटेज भी जारी किया, इजरायल ने दर्जनों विमानों से यमन में हुती ठिकानों पर हमला किया। इसराइल ने यमन पर हमले से पहले वीडियो जारी किया, तेल अवीव से F-15 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान, 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हुती विद्रोहियों पर हमला किया गया। और यमन के हुती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले को नाकाम किया, पहले हमले में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। यमन में इजरायली हमलों के बाद होदेदा शहर में लगी भीषण आग, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे, होदेदा में 2 बिजली घरों में भीषण आग लगी। हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन पर हमला किया, यमन के अंसारुल्ला हौथी समूह ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। इधर इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह का शव बरामद किया गया है, धमाके की आवाज से मौत की खबर। लेबनान में इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी, कभी भी लेबनान में घुस सकती है इजरायली सेना। सीरिया पर अमेरिकी सेना का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर 37 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा, हमले में ISI और अलकायदा आतंकी ढेर, इजरायली सेना भी सीरिया पर बरसा रही है रॉकेट। बारिश से लेबनान पर हमले बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। लखनऊ में नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय में आक्रोश, गुपचुप तरीके से रात में निकाला नसरुल्लाह के समर्थन से मार्च, इजरायली PM के जलाए पोस्टर। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी, लगातार 3 मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है, इलाके में छिपे हैं आतंकी। राजौरी में भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी, आतंकियों के खोज में सर्च अभियान जारी है, लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली के CM आतिशी ने सड़कों का लिया जायजा, ओखला में किया निरीक्षण, मार्गों का जाना हाल।
उधर सड़कों के निरीक्षण के बाद बोले सीएम आतिशी, दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब है, 3 से 4 हफ्ते में शुरू हो जाएगा मरम्मत का काम। इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला समेत हरियाणा बीजेपी ने 8 नेता सस्पेंड कर दिए गए, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, बीजेपी ने 6 साल के लिए किया गया निलंबित। सीएम हेमंत शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, का कांग्रेस पूछ रही है मदरसे क्यों किए बंद, बाकी मदरसे भी करूंगा बंद, देश को डॉक्टर चाहिए मुल्ला नहीं। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स का हल्ला बोल जारी, कोलकाता में निकाला मशाल मार्च, नर्सों की पिटाई और सुरक्षा के मुद्दे पर 8 से करेंगे हड़ताल। बदायूं में कुत्ते के साथ क्रूरता की गई, युवक पर कुत्ता मारकर उसे गायब करने का आरोप और कुत्ते को पकड़कर हवा में लहराने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पकड़ में आया बच्चे पर हमला करने वाला तेंदुआ, 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने पकड़ा तेंदुआ। रायबरेली में तेंदुआ दिखाने में हड़कंप मच गया और जैसे तेंदुआ दिखा चारों तरफ तबाही का मंजर भी देखने को मिला, लोग काफी ज्यादा डर गए और तेंदुए की तलाश में लगातार वन विभाग की टीम जुटी है। बहराइच में नहीं थम रहा जंगली जानवरों का हमला, खेत की रखवाली कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया, किसान की मौत से परिजनों में कोहरा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, 2 युवकों ने खड़ी कार में आग लगाई, 15 दिन पुरानी बताई जा रही है घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में एमराल्ड प्लाजा की पहली मंजिल पर आग लग गई, बार और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर, एक मामला सामने आया, फैक्ट्री में आग लग गई और देखते देखते मसाला फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उधर दिल्ली के कंझा विला में बड़ा हादसा हुआ, निर्माणाधीन गोदाम का लेंटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, 1 घायल है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर में बीजेपी नेता के बेटे के साथ मारपीट, घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, 5 नामजद समेत 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, मामले की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। यूपी के झांसी में गाली दे रहे युवकों को ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा, युवकों के पास से 1 तमंचा भी बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में 3 साल के मासूम का अपहरण, तस्वीरें कैमरे में कैद, बच्ची को ले जाते हुए किडनैपर नजर आया, पिता ने बच्ची के मामा और मौसी पर लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के झांसी में नशे में धुत युवकों ने बीच रोड पर की मारपीट, बीच बचाव करने आई महिला को भी युवकों ने पीटा, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में। उधर नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल हुआ, बाकी 4 को भी अरेस्ट किया गया। रायबरेली में बारिश से सड़कों पर बने गड्ढे मौत को दे रहे हैं दावत, सड़क किनारे बने गड्ढे में एक युवक बाइक समेत गिरा, स्थानीय लोगों ने किसी तरह खींचकर बाहर निकाला, बाइक पर सवार युवक गड्ढे में गिरा।